गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बच्चों सब आपको माइक्रोवेव ओवन के ऊपर कुछ टेक्निकल स्किल रिपीट कर रहे हैं। जैसे कि पहले भी हम एलजी लैब में डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रोवेव ओवन्स को हम किस प्रकार से उसकी वर्किंग, उसकी इंस्टॉलेशन या उसमें फॉल्ट फाइंडिंग कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो हम उसको अपने लेवल पर कैसे देख सकते हैं। आप अपनी कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठे और इसमें जो भी स्लाइड्स हैं मैं एक एक करके चेंज करते रहेंगे और आप उसको अपने पास नोट करते रहना। इस चैप्टर इसके अंदर हम डिफरेंट चैप्टर हैं। इस माइक्रोवेव ओवन्स के चैप्टर को हम तीन पार्ट के अंदर करेंगे। पहले पार्ट्स के अंदर इसके हिस्ट्री वगैरह उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरे पार्ट्स के अंदर इसके हम इसके जो उसके सर्किट्स हैं उसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और तीसरे पार्ट्स के अंदर हम इसकी फॉल्ट फाइंडिंग वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोवेव जो है कब स्टार्ट हुआ इसकी इन्वेंशन, वो 1945 के अंदर अमेरिकन इंजीनियर पर्सी ली बैरन स्पेंसर ने की थी। उसके बाद इसमें आगे और रिसर्च करते रहे साइंटिस्ट बाहर के फॉरेन कंट्रीज के, जर्मनी के। ये वर्क किस थ्योरी को पकड़ रहा है, 1888 के अंदर हेनरिच हर्ट्ज ने देखा कि डिमोंस्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय बिल्डिंग एन अपैरेटस दैट प्रोड्यूस एंड डिटेक्टेड माइक्रोवेव इन द यूएचएफ रीजन, मतलब अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रीजन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए इसके अंदर फंक्शनिंग की गई है। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर बेसिकली क्या है कि इसमें कोई गर्म जो है किसी भी चीज को हम उस पर एक प्रेशर डेवलप करके, रोटेशन डेवलप करके हमने उसके अंदर उनके अंदर हीटिंग डेवलप की है। यहाँ पे आप जो वेवलेंथ का फॉर्मूला है कि स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रिक्वेंसी, सपोज करो हम उसकी जो लाइट हमने उस पर रेज डाली है उसकी जो स्पीड बताई है 30,000 किलोमीटर पर सेकेंड और इसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो 2450 मेगाहर्ट्ज़ पे, तो जिससे कि वेवलेंथ जो डिसाइड हुई 12.2 सेंटीमीटर की। डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं हम अलग अलग बैंड्स के अंदर, वेरी लो फ्रिक्वेंसीज के अंदर, देन लो फ्रिक्वेंसी, मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी, एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसीज के अंदर ट्रांसमिट कर सकते हैं और जिसकी फ्रिक्वेंसी रेंज 10 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोहर्ट्ज़, 1 मेगाहर्ट्ज़ एंड 10^9 मिलीमीटर जो उसकी वेवलेंथ बताई गई है एक्सरे गामा रेस की, स्टेबल्स के अंदर आप देख रहे हो। माइक्रोवेव जो स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ वो 1981 के अंदर आ गया था, जो कि कोरिया के साइंटिस्ट ने डेवलप कर लिया था। माइक्रोवेव के अंदर हम क्या चीज करते हैं, कुकिंग, वार्मिंग, सिमरिंग, जिस चीज को गर्म करना, रीहीटिंग, रीहोस्टिंग, बेकिंग और डिफ्रोस्टिंग, ये सारे फंक्शन हम माइक्रोवेव ओवन के अंदर यूज करते हैं। माइक्रोवेव कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के माइक्रोवेव है, एक सोलो, एक ग्रिल और एक कन्वेंशन। सोलो नॉर्मल वाला जिसके अंदर हम जनरली केवल खाने को गर्म वगैरह करते हैं, एक ग्रिल वाला जिसके अंदर हम किसी चीज को पका भी सकते हैं जैसे नॉनवेज टाइप, और एक कन्वेंशन वाला मोर जिसमें बेकिंग वगैरह कई फंक्शनिंग उसके अंदर हम कर सकते हैं। सोलो के अंदर हम क्या करते हैं, जो उसके अंदर यूजेस होते हैं रीहीटिंग के, कुकिंग के, पॉस्चराइजिंग के, डिफ्रोस्टिंग के, स्टीमिंग के, डिह्यूमिडिफिकेशन के, सिमरिंग के। जो हीटर जिसमें लगा हुआ है उसको ग्रिल टाइप का माइक्रोवेव ओवन बोलते हैं। उसमें जो ऊपर के फंक्शन दिए हैं उसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शन रोस्टिंग, ब्राइंग और टोस्टिंग है। जो थर्ड माइक्रोवेव ओवन है जिसके अंदर डबल हीटर लगा होता है।
फैन भी लगा हुआ है जिसको हम कन्वेक्शन टाइप हीटर बोलते हैं, उसमें जो ऊपर के दो फंक्शंस दे रखे हैं उसके अलावा बेकिंग, क्रिस्पिंग, फ्राइंग और फर्मेंटाइजेशन, ये सब फंक्शंस भी होते हैं। किस प्रिंसिपल पे माइक्रोवेव ओवन काम करता है? माइक्रोवेव ओवन्स आर टू वर्क ऑन द माइक्रोवेव ऑन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसमिट हो रही हैं 2450 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। इसके अंदर आप क्या चीज़ देखते हो, माइक्रोवेव्स का ट्रांसमिशन हुआ है, जो वेव्स हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, इंफ्रा वेव्स हैं, विजिबल वेव्स हैं, अल्ट्रा है, एक्सरे है, गामा, जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे वो माइक्रोवेव यूज़ की है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी जो पदार्थ है हमारे उसके मॉलिक्यूल्स के अंदर माइक्रोवेव्स ट्रांसमिट कर रहे हैं, उसके अंदर किसी भी बॉक्स में कंटेनर में रख के, उस मॉलिक्यूल्स के अंदर अपना एक पानी भी होता है, नमी होती है, और हमने माइक्रोवेव उस पदार्थ के अंदर रखी है, उसकी फंक्शनिंग हम यहाँ पे माइक्रोवेव में करते हैं। किस प्रकार से करते हैं, सपोज करो उस मॉलिक्यूल्स के अपना पानी है वो पोलराइज्ड हो जाता है, ठीक है ना, हम उसको ना उसको रोटेट करते हैं, जो उसमें बॉल को हम कंटेनर के अंदर अपना पदार्थ रखते हैं उसको घुमाते हैं, उसमें घूमने से उन सब मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन होने से उसके अंदर हीटिंग डेवलप हो जाती है, हमने उसमें केवल माइक्रोवेव ट्रांसमिट की है और साथ में रोटेशन दिया है। प्रॉपर्टीज ऑफ माइक्रोवेव्स की, उसमें रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रोवेव्स, रिफ्लेक्शन किस चीज का, जो बॉक्स जो कंटेनर उसके अंदर मेटल की है वो वेव जो है रिफ्लेक्ट करती है उस पदार्थ के ऊपर जो हमने किसी भी कंटेनर में बाउल के अंदर रखा है, माइक्रोवेव में ट्रांसमिशन ट्रांसमिट की है, और जो उसका पानी था, जो भी पदार्थ हमने रखा उसका पानी, उसके फैट, उसके शुगर, वो सब माइक्रोवेव उसको अब्जॉर्ब करता है। हम एक नॉर्मल कुकिंग और एक माइक्रोवेव कुकिंग के अंदर क्या डिफरेंस देखते हैं। कन्वेंशनल कुकिंग के अंदर हम गैस के ऊपर कोई बर्तन रखते हैं, उसमें ऑयल डालते हैं, घी डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, फिर उसमें जो भी हम सामान पकाना है, सब्जी वगैरह, जैसे कोई भी गोभी की सब्जी, आलू की सब्जी, उसमें डालने के बाद, फ्राई करने के बाद घी को, फिर हम उसको सर्व करते हैं। किचन स्पॉइल द किचन वॉल विथ स्प्रिंग ऑफ ऑयल, तो हम देखते हैं जो भी डिशेज हमारी बनती है उसमें ऑयली टाइप की बनती है और हमारे बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग होती है। लेकिन हम माइक्रोवेव के अंदर हम इसको करें तो किसी भी कुकिंग को करने के लिए उसका इंटरनल जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ऑयली इसके अंदर बिल्कुल यूज नहीं किया जाता, उसके इंटरनल वाटर मॉलिक्यूल्स से हम कोई भी चीज़ को पका रहे हैं, ठीक है ना, मैसी कर रहे हैं, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी उसके अंदर पूरे के पूरे रिजर्व रहते हैं, जबकि हम कोई चीज़ खाने की चीज़ पकाते हैं तो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। अगले चैप्टर में हम देखते हैं कि माइक्रोवेव को हमने किस प्रकार से इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले उसकी माइक्रोवेव अपने किचन में रखने की एक लोकेशन जो है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है, हम उसके बारे में डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। माइक्रोवेव ओवन को जो हम यूज़ करते हैं उसके डोर को किस प्रकार से कब खोलना है, कब सामान रखना है, उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, ये सारा हम आगे डिस्कस करते हैं अगले स्लाइड्स के अंदर। लोकेशन पे बताया है कि माइक्रोवेव को इस प्रकार से रखेंगे कि वॉल से बिल्कुल भी टच करते हुए ना हो, कोई हमारी शेल्फ एलमीरा उसके ऊपर ना रहो, थोड़ा एयर गैप हो चारों तरफ से, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी और टॉप से भी, जैसे कि इस स्लाइड के अंदर आपको नजर आ रहा है, कम से कम 8 से 10 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए किसी भी वॉल से या किसी भी एलमीरा वगैरह से। इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स को यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आता है, हम फेस और न्यूट्रल के अंदर प्लग लगाते हैं। जनरली हमारे जो इंडियंस के अंदर जो सप्लाई आ रही है 230 वोल्ट की आ रही है, हम पहले सप्लाई को चेक कर लेते हैं हमारी प्रॉपर सप्लाई हो फेस और न्यूट्रल के अंदर। फेस और अर्थ के अंदर भी अगर हम चेक करें 230 वोल्ट होती है। अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग हमारी है कि नहीं है हम उसको चेक करने के लिए वोल्टेज को हम न्यूट्रल और अर्थ के अंदर चेक करें तो 3 वोल्ट से कम वोल्टेज अगर आ रही है तो हमारा अर्थिंग का कनेक्शन है। अर्थिंग बहुत असेंशियल है माइक्रोवेव ओवन को चलाने के लिए। तो इस प्रकार से हम पहले
कंफर्म कर लेते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिकल वायरिंग में अर्थिंग है क्या नहीं है। अगला माइक्रोवेव ओवंस के जो पीछे या बॉक्स के ऊपर हर कंपनी अपना एक नोमेनक्लेचर देती है, उस नोमेनक्लेचर पहले आप उसका प्रोडक्ट कौन सा टाइप का है, जैसे आपके पता है तीन टाइप का है, सोलो है, कन्वेंशन है, ग्रिल है, वो पता है कैटेगरी। फिर दूसरे के अंदर उसकी कैपेसिटी, अब साइज होते हैं 20 लीटर का, 21 लीटर का, 22 लीटर का, 32 लीटर तक का आता है। अगले उसके अंदर कंट्रोलर, उसके जो नॉब्स बताए हुए हैं उसके बारे में उसने बताया है, मैकेनिकल नॉब है या मेम्ब्रेन टैक्ट वाली नॉब है या ग्लास टच वाली नॉब है। अगले डिजिट के अंदर उसका बताया गया वो कब किस ईयर में उसकी डेवलप किया था, बनाया गया था। अगले डिजिट के अंदर कलर बताया गया है जिसको बी से शो किया है। नेक्स्ट डिजिट आर के अंदर उसका पैटर्न कलर बताया गया है, रेड पर्पल चर्मिल। नेक्स्ट डिजिट यू के अंदर उसकी एक्सेसरीज, मेटल की ट्रे, रस्टेड मेटल ट्रे, और लास्ट डिजिट के अंदर उसकी एक्सक्लूसिव एक्सेसरी स्टीम वगैरह पॉस्टराइज मिल्क वगैरह के लिए होते हैं। ये डिफरेंट मॉडल शो कर रखे हैं कंपनी के और उसके नंबर शो कर रखे हैं। हर कंपनी अपना देती है, डिफरेंट मॉडल्स हैं। 32 इंची के साइज के अंदर ये कन्वेक्शन डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स आप देखोगे। अब अगले स्लाइड के अंदर हर मॉडल्स में क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये उसकी बुकलेट आती है, मैनुअल होता है उसमें दिए हुए होते हैं। ये अगले डिफरेंट मैनुअल्स हैं, ये आपको डिफरेंट मैनुअल्स जो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स माइक्रोवेव का क्या क्या है, मतलब उसने अपने हर कंपनी अपने अपने माइक्रोवेव में क्या क्या फीचर्स दे रही है वो उसके बारे में बताती है कि फ्राई डाई कर सकते हैं, पॉस्टराइज मिल्क की फैसिलिटी है, रोटी बास्केट बनाने की है, पनीर कर्ड डोसा घी ये सब बनाने की फैसिलिटी माइक्रोवेव ओवन के। हर कंपनी अपने अपने जितने भी माइक्रोवेव आते हैं अपना कुछ ना कुछ एक यूनिक सेलिंग पॉइंट फीचर्स बनाती है। जैसे कि हीटर है उसके अंदर हम यहाँ पे कांडे को गर्म करने का, फ्राई करने का, क्विक टाइम का, डाई फ्राई करने का है। अगले में मॉइस्चराइज दूध को उबाल के हम रखते हैं, जैसे नॉर्मली दूध यहाँ पे हम इसके अंदर पॉइस्चराइज करने की फैसिलिटी में दूध को 70-75% उबाल के रखते हैं ताकि दूध वो खराब नहीं होता है। रोटी बनाने का बहुत फंक्शंस होते हैं। आप माइक्रोवेव को इंटरनल देखोगे, मेटल की शीट होती है उसके लेफ्ट राइट टॉप के ऊपर, बीच में एक रोटेटिंग प्लेट होती है जिसपे हम बाउल रखते हैं। ये पॉस्चराइज करने की जो फैसिलिटी बताई मैंने, दूध को 70-75% गर्म करके उबालना ताकि जो दूध के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म नहीं होते और दूध फटता भी नहीं है। पूरा दूध उबालने के बाद हम रख देते हैं और उसको फ्रिज की लाइट चली जाए तो और उसको बाहर निकाल के छोड़ दो, दूध फट जाता है। अगर दूध को आप 70% उबाल के इस प्रकार से पॉस्चराइज मिल्क बाजार में पैकेट आते हैं। माइक्रोवेव के अंदर हीटिंग, लाइटिंग, चारकोल हीटर बहुत फैसिलिटी आती है आज के टाइम में। ये आप देखोगे माइक्रोवेव के डिफरेंट फंक्शंस फीचर जो जो हैं, ये आप हमारा उसके यूजेस जो हैं, हम उसको 100% या मीडियम 80% के ऊपर या मीडियम 60% के ऊपर, 40% के ऊपर या 20% के ऊपर उसकी फंक्शनिंग को सेटिंग करके हम यूज करते हैं। हर एक इसमें यहाँ पे परसेंटेज सेटिंग के बटन्स होते हैं और उसकी फंक्शनिंग दिखाई है टेबल में नेक्स्ट कॉलम के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोवेव ओवन का कौन सा मॉडल है, ग्रिल का है या कन्वेंशन का है या सोलो का है। सेफ्टी सफाई वगैरह बिल्कुल क्लीन, साफ यूज करने के बाद उसको एक सॉफ्ट कपड़े से क्लीन करके रखना चाहिए। नेक्स्ट हम जो है अगली क्लास के अंदर उसकी मेंटेनेंस करने के बाद, हम कभी लंबे समय के यूज नहीं करते तो एक नींबू काट के गर्म पानी में रख के उसके अंदर हम रख के छोड़ देते हैं ताकि वो उसमें किसी प्रकार की स्मेल वगैरह ना रहे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में कंपोनेंट और उसके ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में। थैंक यू।